नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इस टॉपिक में हम यह सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव किस प्रोसेस से फाइंड करते हैं। तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें दिया गया है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यदि हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करें तो लास्ट के टू टर्म्स में y कॉमन लेने पर वी गेट माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ वन अप प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर वी गेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, अर्थात y x का एक फंक्शन है। अब माना हमें दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स वाई। अब इसमें यदि हम y के लिए सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब LHS में y कॉमन लेने पर वी गेट y इंटू वाई माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में y माइनस टू ए एक्स से डिवाइड करने पर वी गेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस टू ए एक्स। अब यदि प्राप्त एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में y प्रेजेंट है। इट मीन्स अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे यदि हम y को कम्प्लीटली x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब जिसमें हम y को कम्प्लीटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उस फंक्शंस को क्या कहेंगे? ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स वाई गिवन है। हम इसका अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू ए एक्स वाई। अब एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। नाउ चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पर वी गेट टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इसे सिंप्लीफाई करने पर वी गेट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में एंड विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में मूव करने पर वी गेट y माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए वाई। इसे डी वाई बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई माइनस ए एक्स के बराबर प्राप्त होता है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है।